तो यहाँ अपनी हवा भर रही है सबसे पहले, और रात को तैयारी हो रही है कहाँ की, मैं अभी बताता हूँ कहाँ की तैयारी हो रही है, जस्ट वेट एंड वॉच। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत अपने भाई के चैनल पर एक और न्यू व्लॉग में। रात में तुम्हारा भाई व्लॉग शूट कर रहा है, टाइम हो रहा है, मैं दिखा दे रहा हूँ टाइम कितना हो रहा है। टाइम हो रहा है हमारा देख लो 11:06, और अपनी गाड़ी में हवा भर रहे हैं, चारों में भर रहे हैं। क्या क्यों भर रहे हैं? क्योंकि हम जा रहे हैं कहीं टूर, थोड़ा सा अपना माइंड फ्रेश करने। बहुत दिन से थोड़ा सा डिस्टर्ब से चल रहे थे इसलिए। और यहाँ पे ललित भाई भी आ चुके थे, सानू भाई और दीपो भैया को हम घर से उठा लाए ज़बरदस्ती बिना परमिशन के। तो फिलहाल हम अपने घर रोड पे खड़े हैं और हवा भर रहे हैं और निकलते हैं। कहाँ निकलते हैं आप व्लॉग पे बने रहना, उसके बाद पूरा दिखाएंगे कहाँ जा रहे हैं, पूरी रात क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है? बने रहना भाई, बहुत मुश्किल से परमिशन मिली है घर की भाई। और इसे रख देते हैं, ये हवा भरने वाला आप जानती हो। और सानू भाई का लुक देखो, कच्चे में पूरे VIP और चप्पल में जा रहे हैं भाई। कोई हमारी कोई VIP ट्रिप या कोई वो नहीं है, हम तो बस अपना मौज मौज आदमी है, बस कहीं भी निकल जाते हैं, उजर गए हम तो। तो देखो हम निकल चुके हैं अपनी ट्रिप पे, और भाई आज का सीन समझ लो 15 मिनट में बना था ये पूरा सीन। 15 मिनट में हम दीपक भाई के पास गए, दीपक भैया को उठाया 15 मिनट में फिर अपने घर, क्योंकि हमारे कोटजे से दीपक भैया का जहाँ रहते हैं वहाँ 15 मिनट का रास्ता है। वो यहाँ से कम मैक्सिमम होगा 28-30 किलोमीटर जो भी है। और ठीक है, अब आप इस ब्लॉग पे बने रहना, पूरा रात का सीन दिखाएंगे, मज़ा आएगा बिल्कुल। और सुबह सुबह आनंद ही कुछ और होगा उसका। अगर और दीप भैया देखो है, ये राजा की तरह बैठे हैं बिल्कुल ऐस। और हमारे ललित भैया चला रहे हैं, वो सानू भाई चला रहे हैं, और ललित भैया हमारी अभी पार्किंग पे बाइक खड़ी करके फिर निकलते हैं हम अपने जय बाबा भोले बाबा की बोल के ट्रिप पर अपने। तो दोस्तों हमने ना आधा रास्ता क्रॉस कर लिया है, कहाँ पे आ गए हम? गजरोला पार कर दिया। गजरोला होके जा रहे हैं हम, मेन हाईवे से नहीं जा रहे हैं, अंदर ही अंदर होके जा रहे हैं, जो भी हमें पता नहीं है। सॉरी। और दीप भैया देखो बिल्कुल भाई, ये मत सोचो ना नशा करके पड़े हैं ये, इनने बस थोड़ी थकावट हो गई इनको, थोड़ा इनने मेहनती काम कर लिया था, इनकी आंखों में दर्द है। और वो देखो पीछे वो मोहब कार है, तो उसका कुछ कह नहीं सकते, वो चिल है, उस चिल और पिल है वो, ठीक है। और हम देखो अंधेरी रातों में जा रहे हैं, देख सकते हो कितना सुनसान चारों तरफ। रुक जाओ, बंद करे, बंद करो। तो देखो चारों तरफ देखो, सामने देख रहे हो अंधेरा, लाइट बंद करते ही कितना अंधेरा है। ये बस कुछ ही दूर तक होटल आ रहे हैं, वरना आगे आगे तक दूर दूर तक कुछ नहीं है, ना कुत्ता ना कुत्ते की जात, ठीक है। ओ भाई, एक तो रात का सीन इसलिए मस्त लगता है क्योंकि जय हो भोले बाबा, रात का सीन इसलिए मस्त लगता है, थोड़ा ठंडी ठंडी हवा चलती है और थोड़ी सी अपना फील ही अलग आता है, जैसे दीप भैया परे परे भाई, ठीक है कोई बात ना, मुंह थी सही। तो सानू भाई कंटिन्यू ड्राइविंग कर रहे हैं, इनका नाम है हैवी ड्राइवर, तो देखते हैं पहुंच कर इनका दूसरा, चलो इसको मैं काट दूंगा, ठीक है कट कट कट। और फिलहाल हम आधा रास्ता क्रॉस करने के बाद वहीं मिलते, बताते हैं हम कहां जा रहे हैं, ठीक है। तो भाई देखो ये दोनों सो रहे हैं, देखो ये दोनों सो रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, देखो ले ले भाई गाली और देती। पता है ये पेट्रोल पंप पे रुके हुए, पानी प्यास लग रही थी, बहुत खतरनाक, और बहुत ही बहुत खतरनाक इलाका है, जहाँ तो देखो दूर दूर तक बस जंगल ही जंगल है, चारों तरफ जंगल है भाई देखो वहाँ तक। और सानू भाई देखो पानी पी रहे हैं वहाँ बैठ के भाई, कम समझ लो 20-30 किलोमीटर के बाद अगर एक पेट्रोल पंप मिला वो भी बंद मिल रहा है, और पानी अब यहाँ का थोड़ा सुकून मिला था, पानी पीते हैं फिर निकलते हैं। कोई बात ना, तो थोड़ा सा देखो थोड़ा सा ब्रेक लिया, चाय ब्रेक लिया, यहाँ पे गाड़ी गाड़ी है, और दीपक सो गया, आ नहीं रहा है, मैं भी करूँगा। और देखो ऐसा देखो उसे ले आइयो दीपक को, चाय पीते हैं उसके बाद निकलते हैं, बस थोड़ा सा रह गया यहाँ से 90 किलोमीटर रह गया होगा, ज़्यादा ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं रहा, और थोड़ा सा यार थोड़ी सी नींद भी आ रही थी ना, तो थोड़ा अच्छा रहता है, चाय पीकर मूड फ्रेश हो जाता है, है सानू भाई। भाई हमने चाय ले लिया, फाइनली हमारी चाय आ चुकी है, हम मट्ठी और लेते, बहुत इंतज़ार के बाद फाइनली लेकर हमारी चाय लेते,
और देखो अभी है ना मट्ठी है नहीं, तो एक नमकीन टाइप की है कुछ मट्ठी टाइप की, तो खा कर फिर निकलते हैं। ला रहा हूँ मोहम्मद, देखा तुम्हारा, देखो मैं ब्लॉगर आपस में इन्फ्लुएंसर बनने पड़े। देखना यार ये काफी है। हाँ बहुत ही कम पड़े हैं तो वाली है। तो ये हमारा कुछ ऐसा देख पता नहीं, हाँ ना मट्टी है थोड़ी, छोटे 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 हैं, बढ़िया स्वाद आया खाने में। तो फाइनली हम हरिद्वार आ चुके थे रात को ही, पता है, और रात को आ चुके थे हरिद्वार, और कुछ सीन हो गया था मैं कभी आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल पानी का बहाव बहुत खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक बहाव चल रहा है। और देखो सेंटर पॉइंट देख रहे हो, पानी वहाँ तक पूरे घर तक लगा हुआ है, समझ लीजिए अगर यहाँ पे हम डूब रहे हैं ना तो पूरा वो है। और ये हर की पौड़ी है जहाँ पे हम नहा रहे हैं, और भाई देखो यार पानी इतना ठंडा ना, इतना ठंडा आप बात नहीं मान लीजिए, जितनी गर्मी है ना उससे ज्यादा पानी ठंडा है। बर्फ ही समझ लो यार, देखो ये तीनों यार, देखो यार ये ना बिना उसके तैरना, हम तो इसमें इसके अंदर हैं, हमें तैरना आता नहीं है। और बहुत सारे तैरना भाई, बहुत ही सारे भाई, बहुत तगड़ा पानी है वो। बाय बाय टाटा गुड बाय गया, हाथ छोड़ दे तो ठहर के यहाँ का मेरे घुटने में आ जाएगा, इतना तगड़ा पानी चल लो। तो भाई गंगा जी तो नहा चुके थे, और फिलहाल तुम्हारे भाई ने देखो भोले बाबा की वो ले लिया कुर्ता, दीपक भाई ने भी ले लिया था, और ललित ने भी ले लिया था, सानू भाई पहनते नहीं तो उन्होंने लिया नहीं। और पता है गंगा के किनारे भी लोग खाना मिल रहा था घर जैसा, तो हमने डिसाइड करा कि घर जैसे ही खाना खाते हैं और नॉर्मली खाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मिली थी कढ़ी चावल और राजमा, तो देखो कढ़ी ये रही चावल, कढ़ी नहीं कढ़ी राजमा और चावल लग चुके हैं, और नीचे बैठे हुए हम तिरपाल पे, एक अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा है गंगा जी बराबर में, उसके बराबर में फिर अपना खाना, और पेड़ के नीचे खा रहे हैं, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है और थोड़ी गर्म भी चल रही है, और भूख लग रही है यार बहुत तेज। ठीक है तब खाना खा लेते हैं उसके बाद मिलते हैं, अलग ही एक्सपीरियंस है भाई, अलग नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। कैसा लग रहा था भाई खाना? बस भाई ललित भाई अभी तो तुमने चखा भी ना है जी भैया, चलो सारू भाई ने तो राजमा पेल भी दिया, मरी ये कड़ी पकौड़ी करवा लिया है पहले बोल के। तो चलो गाइस खा के